थी पिक्चर, पिक्चर कैसी थी? ठीक है ठीक। आपको कैसी लगी कार्तिक आर्यन की पिक्चर? कैसी है? अच्छी बनाई है। कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी, मजा आया, जमी हिट है। पिक्चर कैसी थी? अच्छी लगी। अच्छी है। भूल भुलैया पार्ट टू कैसी थी पिक्चर? मस्त मस्त थी। अच्छी है। आपको कैसी लगी कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी, मजा आया? हाँ मजा। ओके, कैसी थी पिक्चर? अच्छी है। पिक्चर कैसी लगी? अच्छा। कैसी है? अच्छी है। आपको कैसी लगी सर? अच्छी लगी सर। पिक्चर कैसी? टाइम पास है। टाइम पास है, मजा नहीं आया? मजा नहीं। क्यों? क्या अक्षय कुमार और ये नहीं ना, परेश रावल, वो लोग होने चाहिए, आसरानी होने चाहिए, राजपाल यादव को रिपीट किया है थोड़ा, लेकिन उतना भी नहीं है। अच्छा, फिर भी ये लोग अलग ही बात है। कार्तिक आर्यन कैसे लगे? ठीक है, यंग जनरेशन के आए, ठीक है। खींच सकेंगे पिक्चर? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इतना, नहीं चलेगा। आपको नहीं पसंद? नहीं। कियारा अडवाणी और कार्तिक की जोड़ी कैसी लगी? हाँ, वो लोग का अच्छा है जोड़ी, पर्सनल राजपाल का थोड़ा हाई करके ठीक है, लेकिन ये लोग दो रहते थे ना, परेश रावल और अक्षय कुमार, वो लोग की बात ही अलग थी। ओके ओके। अच्छी थी? कैसा वाटला पिक्चर? चांगला चांगला है, बढ़िया है, मज़ा आया। कार्तिक आर्यन, आपको कैसी लगी पिक्चर? अच्छी है। कैसी थी पिक्चर, देखी आपने? देखी लेकिन बहुत अच्छी नहीं लगी। बहुत अच्छी नहीं लगी? पहले वाली देखी थी भूल भुलैया, वो कैसी लगी थी? सोच के वही आए थे। हाँ, लेकिन वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए। कार्तिक आर्यन जमे नहीं? जमे, लेकिन मतलब उतना नहीं मजा आया जितना उसमें था। अक्षय कुमार की जो बात थी ना, वो इसमें नहीं है। परेश रावल, असरानी, वो जो मजा उसमें था ना, वो इसमें नहीं, इसमें नहीं आया। बहुत कम, 2.5 पे जाएगी। अच्छा, गाने कैसे? गाने अभी के हिसाब से ठीक है, ठीक ठाक, ठीक मतलब नॉर्मल जैसे होते हैं। अच्छा, आप महीने के बाद में भूल जाएंगे गाने भी। ओके। पिक्चर अच्छी बनाई है, कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी, कब्बू भी है। हाँ, कार्तिक आर्यन काम अच्छा है, राजपाल यादव का बहुत अच्छा काम है। हाँ, राजपाल यादव लगता है कम बैक हो गए हैं। अनिल रजनी कनेक्शन पहले 2-3 मूवी गई थी, लेकिन अभी लगता है वापस आ गए। वापस आ गए अनिल बाजमी, क्या बात है। वेलकम, याद है आपको अनिल बाजमी? याद है। वैसा कुछ इफेक्ट दिया, कॉमेडी था वैसा कुछ? अच्छा है कॉमेडी, लेकिन कॉमेडी अच्छा है, टाइम पास है, फैमिली एंटरटेनर है। हाँ, फैमिली बैठ के देख सकती देख सकते है। गाने कैसे पिक्चर? गाने अच्छे, भूल भुलैया तो हिट था पहले, भी अभी हिट है, इस बार भी हिट है। इस बार रिक्रिएट किया है ये नया, थोड़ा कार्तिक आर्यन अलग से सोलो नाचा है। हाँ, सोलो नाचा अच्छा परफॉर्म था। अच्छा, बेस्ट 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 है, हिट है पिक्चर, हिट है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया पार्ट टू देखी है आपने, कैसे लगी आपको? सर, भूल भुलैया 2007 में आई थी अक्षय कुमार जी की, वो मूवी भी अच्छी थी, नाइस मूवी, कुछ नया कॉन्सेप्ट था, कुछ मतलब हॉरर कॉमेडी मूवी थी। तो उसके जो गाने थे हरे राम हरे कृष्णा, वो आज तक हम लोग सुन के आ रहे हैं। yes. वो गाना अभी तक बोर नहीं हुआ है, आज भी हम लोग सुनते हैं, वॉकमैन में सुनते थे उस ज़माने में, आज भी हम लोग मोबाइल में सुनते हैं, तो वो गाना अभी तक हमारे माइंड में चलता। तो ये अचानक 2022 में ये पिक्चर, ये भूल भुलैया 2, जो कार्तिक आर्यन और कब्बू और ये क्या बोलते कीड़ा अडवाणी ले रहे, तो ये पिक्चर भी बहुत अच्छी है। इसमें कॉमेडी खूब डाला है भर भर के, जो फर्स्ट में जो कॉमेडी थी वो भी कॉमेडी अच्छी थी, लेकिन ये कॉमेडी अपने तरफ थी, इनका अपना कॉमेडी अलग तरीके का। अच्छा। इनका ह्यूमर अलग है, उनका ह्यूमर अलग था। ओके, ओके, इसमें क्या डिफरेंस था ह्यूमर में दोनों? अगर ये नए टाइप की ह्यूमर थी, और कार्तिक आर्यन पहले भी उन्होंने प्यार का पंचनामा और अच्छे अच्छे पिक्चर किए है, सोनू की, टीटू की, स्वीटी की है, और उसने उन्होंने वो क्या बोलते वाइफ समथिंग एक पिक्चर आई थी वो की थी, तो वो कॉमेडी में सूट करते ही है। और उन्होंने लास्ट में क्लाइमेक्स में भी बहुत अच्छा काम किया है। फुल क्रेडिट गोज टू मेरे ख्याल से तब्बू। तब्बू, हाँ, इट्स मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, तब्बू ने इस मूवी को बहुत ज़बरदस्त काम किया, उनको नेशनल अवार्ड तो पक्का मिलना चाहिए। और भूल भुलैया 2 तब्बू को, यस, तब्बू को मिलना चाहिए अवार्ड 100%। उनको वो, शी इज़ अ वेरी वर्सटाइल एक्टर, पावरफुल एक्टर, 100% शी हैज डन अ गुड जॉब। कहाँ पे कुछ ऐसे कुछ सीन्स थे जहाँ पे बोर हुआ? डिपू ही पिक्चर? नहीं नहीं, कहाँ पे भी बोर नहीं हुआ सर, कॉन्सेंट्रेशन मूवी था। इंटरवल के बाद पिक्चर ने तो और जोरदार पकड़ ली देखा जाए तो। और डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि राजपाल यादव बहुत अच्छे कॉमेडी किया है, संजय मिश्रा जी ने बहुत अच्छा कॉमेडी किया, मुझे अभी से हंसी आ रही है। वो सर राजपाल यादव बोलते हैं कि इससे तो बिग बॉस में चलते हो, जहाँ बेइज्जती की पैसे तो मिलते हैं। और एक डायलॉग इसका भी अच्छा है, कार्तिक आर्यन के बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट
और चुड़ैलों के फीट कभी उस उल्टे ही रहते, तो वो उल्टा होता तो डर जाता है ऐसा बहुत इसमें कॉमेडी पंचेस है। असरानी जी थे, हाँ हाँ असरानी जी, परेश रावल जी, नहीं नहीं थोड़ा भी मिस नहीं किया मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी। यस यस बॉलीवुड इज बैक विद द कॉमेडी, यस 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 इट विल हैव अ डबल डिजिटल टुडे, या ऑडियंस कह रही है बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस में डबल डिजिट आ जाएगा इनका 100% मोर देन 15 करोड़ डबल डिजिट, यस यस सैटरडे संडे भी फुल आउट ऑफ 5 विल गो 3.5 सर, 3.5 सब, और मंजुलिका का जो गाना भी है दैट इज ऑल्सो गुड, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, तब्बू है, सबके काम अच्छे थे, सबका काम अच्छा था, कहानी अच्छी थी लेकिन थोड़ा बोरिंग था शुरू में, बोर हुआ शुरू में थोड़ा बोर हुआ, मजा नहीं आया के बाद थी। अच्छा ओवरऑल देख सकते हाँ। बैठ के एक बार तो देख सकते लोग, फैमिली के साथ भी देख सकते। ओके पांच में से आप कितने स्टार देंगे, पांच में से कितने स्टार देंगे पिक्चर को? 10। अच्छा ओके, अरे वन टाइम वॉच बस, मजा नहीं आया तेरे को? कैसी लगी? अच्छी लगी, जबरदस्त। कार्तिक आर्यन फालतू है, कैसे थे पिक्चर के? एकदम फाड़, ग्यारह आडवाणी, कार्तिक आर्यन, सब सब एकदम मस्त। आपको कैसे लगी पिक्चर? ठीक है, मजा नहीं आया? मजा आया, मजा आया। कैसे थी मूवी? अच्छा आर्यन की नहीं, काफ़ी अच्छा रोल इन्होंने किया, जो पहला था तो उतना बोरिंग फील नहीं हुआ, सेकंड में थोड़ा सा लास्ट जो लास्ट सीन था ना, थोड़ा सा जो एंड किए ना इन्होंने वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, एंड सही नहीं था, थोड़ा सा इमोशनल डाल दिए, थोड़ा कुछ अलग मसाला डालना चाहिए था। तब्बू है इस बार, पिछले वाले में विद्या बालन थी, इस बार तब्बू है, एक नंबर उसका लुक। अच्छा काम किया तब्बू का, गाने थे कैसे थे पिक्चर में? गाने अच्छे थे कंपेयर टू अदर मूवी का जो देखा जाए बॉलीवुड, तो काफी अच्छा लगा मेरे को। अच्छा था, अच्छा बनाया सही, देख सकते एक बार तो देख सकते कि नहीं? हाँ देख सकते, एक वन टाइम वॉच है, वाँच है। कियारा और कार्तिक की जोड़ी चलेगी बॉलीवुड? चलेगा चलेगा, चलेंगे दोनों साथ। अच्छा में आएंगे आगे आने वाली फिल्मों में तो चलेंगे? हाँ चलेगा चलेगा, चल सकते। आउट ऑफ 5 कितने स्टार मिलेंगे आपकी? 3। 3 स्टार देंगे भूलभुलैया 2 को? भूलभुलैया अच्छा मूवी, अच्छा हाँ मूवी अच्छा है, एंड अच्छा नहीं लगा? एंड थोड़ा सा हो गया, लेकिन पहला जो है ना, पहला जो इंटरवल से पहले बहुत मजा आया, इंटरवल से पहले मजा आया, हाँ मजा, कॉमेडी सीन दिए अच्छा लगा मेरे को। अच्छा अच्छा ओके, कार्तिक आर्यन की फिल्म कैसी थी? बहुत अच्छी लगी। भूलभुलैया पार्ट 2 पहली वाली देखी थी आप? तो अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सी अच्छी है? पहली वाली ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि उसमें अक्षय कुमार जी थे जी, और अभी कार्तिक आर्यन भी थे, उनने भी अच्छा रोल किया, पर अक्षय कुमार रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता, वो कॉमेडी अच्छा करते। ओके इस बार राजपाल यादव है कॉमेडी में, कॉमेडी फैक्टर क्या था, कैसा था फिल्म? वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा था, तब्बू है उनका काम, उनका भी अच्छा था। अच्छा था, मज़ा आया आपको? यस पक्का, यस पैसा वसूल हुआ? हाँ। ओके आउट ऑफ 5 कितने स्टार? Four. 4 stars.